तो गाइस आज लेके आ गए निस्कॉम की तरफ से आने वाला नेब्यूलाइजर, एक मेडिकल इक्विपमेंट है वो। इसके ऑन पेपर तो हमने बहुत सारे फीचर्स देख लिए, लेकिन आज इसका अनबॉक्सिंग कर देंगे, साथ में फुल डिटेल में रिव्यू भी दे देंगे और देख लेंगे कि इसमें सभी फीचर्स आपको जो दिखाए जाते हैं उसे है। तो वीडियो को एंड तक देखना, बाकी चैनल पे पहली बार आए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर देना, साथ में इस वीडियो को लाइक भी कर देना। तो लेट्स स्टार्ट अवर अनबॉक्सिंग। अबे सही फेंकना, टंका किसकी लेता। तो लेट्स स्टार्ट अवर अनबॉक्सिंग। तो हमारे नेब्यूलाइजर का बॉक्स आ गया, आप देख सकते हो। यहाँ पे इसके थोड़े फीचर्स दिए गए, इजी टू कैरी, पोर्टेबल, वन बटन ऑपरेशन, ऑटो पावर ऑफ। बाद में यहाँ पे भी इसकी कुछ स्पेसिफिकेशन दी गई, बैक साइड में सेम है, इस साइड में यहाँ पे इसके सेलर की डिटेल्स दी गई है। तो फटाफट से पहले इस बॉक्स को ओपन कर लेते हैं। यहाँ पे हमको फर्स्ट एक थैंक यू कार्ड देखने को मिल जाता है और यहाँ पे आपको एक यूजर मैनुअल देखने को मिल जाती है। ये अपने डिवाइस को ऑपरेट करने के लिए काफी यूजफुल रहने वाले, लेकिन हम तो ठहरे पैदाइशी साइंटिस्ट, इसलिए हम इसको नहीं पढ़ने वाले। और हमको साथ में यहाँ पे एक माइक्रो यूएसबी केबल भी देखने को मिल जाता है, सिंपली किसी भी अडेप्टर पे फिट हो जाएगा, इसके थ्रू हम हमारे डिवाइस को पावर ऑन कर सकते हैं। यहाँ पे हमको टू साइज के मास्क दिए जाते हैं, इस डिवाइस के साथ हम इसको भी यूज करना है, एक चिल्ड्रंस के लिए दिया जाता है और साथ में इसमें ऑर्डर के लिए भी दिया जाता है। और आइए हमारा मेन यूनिट आप देख सकते हो, यहाँ पे मिसकॉम की ब्रांडिंग भी दी गई है, साथ में नेब्यूलाइजर भी यहाँ पे लिखा गया है। यहाँ से ओपन और क्लोज होता है, यहाँ पे आप अपनी मेडिसिन डाल सकते हो, इस टाइप से बाद में इसको कर देना है। नीचे की साइड आपको यहाँ पे ओपन करने के लिए ऑप्शन दिए गए और यहाँ पे आप टू सेल इजीली डाल सकते हो, जो हमारे घड़ी के सेल आते हैं वही यहाँ पे डाल के इसको डायरेक्ट हम इसको यू ऑपरेट कर सकते हो। और अगर आज आप सेल से यूज नहीं करना चाहते तो यहाँ पे डायरेक्ट आपको जो पोर्ट दिए गए, हमको यहाँ पे जो माइक्रो यूएसबी जो केबल दिए गए था उसके थ्रू इसको भी हम ऑपरेट कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि सेल यूज करना है, आपको दो में से दो ऑप्शन दिए जाते हैं, दो में से आप कोई भी यूज कर सकते हो। और यहाँ पे आपको बैक साइड में पुश का बटन देखने को मिल जाता है, पुश का बटन यूज करोगे बाद में इसको यहाँ से आप इसको अलग भी कर सकते हो और अलग भी रख सकते हो। बाद में यहाँ से जब भी आपको यूज करना है तो फिर से फिटिंग ऐसे कर देना है और अब यूज कर सकते हो। तो गाइस हमने इसका अनबॉक्सिंग कर लिया, अब मैं इसकी साइज के बारे में आपको थोड़ा बता दूं। तो हमारे जो स्मार्टफोन की साइज से लगभग उससे आधी साइज का ही आपको देखने को मिल जाता है। और इन हैंड इसकी क्वालिटी तो काफी मेरे को सुप्रीम लग रही है। इसमें जो मटेरियल प्लास्टिक यूज किया गया पूरा प्लास्टिक का ही बनाया गया, लेकिन जो मटेरियल इसका प्लास्टिक का यूज किया है वो भी सुप्रीम यूज किया गया है। तो फटाफट से पहले इसका मैं आपको यूज कैसे करना है वो सिखा देता हूं, बाद में इसी बाकी के फीचर्स की भी बात करेंगे। तो फटाफट से पहले इसका यूज करना देख लेते हैं। तो गाइस इसको आपको यूज करने के लिए पहले क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे नीचे की साइड आपको दो बैटरी डालने के लिए यहाँ पे ऑप्शन दिया जाता है। तो वहाँ पे हम जो सिंपली हमारे जो घड़ी में यूज की जाती है वैसे हम मार्केट से परचेस करके लाए तो उस बैटरी का यूज करेंगे। यहाँ पे आपको माइनस प्लस का देख लेना है और इस हिसाब से आपको बैटरी यहाँ पे डालने की है। तो हमने बैटरी को फटाफट से फिट कर लिया है। अब क्या करना है, यहाँ पे आपको मेडिसिन डालने का ऑप्शन दिया जाता है, तो यहाँ पे आप कोई भी मेडिसिन डाल सकते हो, लेकिन हमारे पास अभी मेडिसिन अवेलेबल नहीं है तो हम क्या डालते हैं, गंगा जल। आप इसमें मेडिसिन डाल देते हो, बाद में यहाँ पे फुल्ली फिट कर देना है। और ये वाटरप्रूफ यहाँ पे आपको दिया गया, तो इसके अंदर से कोई भी मेडिसिन आपकी बाहर आने वाली नहीं है। तो गाइस अब इसको ऑन करने के लिए क्या करना है, हमको सिंपली यहाँ पे 3 सेकंड के लिए इस ऑन ऑफ बटन को प्रेस करके रखना है। तो आप देख सकते हो हमारा नेब्यूलाइजर ऑन हो गया है और यहाँ पे आपको साथ में इंडिकेटर लाइट भी देखने को मिल जाती है, यहाँ पे येलो कलर की देखने को मिल जाती है। तो अब आप देख सकते हो कितनी क्वांटिटी में यहाँ पे फॉग बन रहा है और इसका जो मैकेनिज्म इसमें यूज किया गया उसका भी काफी तगड़ा यूज किया गया, क्योंकि इसके जो नॉइज है वो भी काफी जीरो देखने को मिल जाता है। तो गाइस अगर आपको इसको बैटरी के थ्रू यूज नहीं करना है तो आप अपने साथ जो इसमें डायरेक्ट केबल दिए गए थे उसके थ्रू भी आप इसको ऑपरेट कर सकते हो। तो फटाफट से पहले इसको ऑफ करते हो और बाद में इसकी बैटरी को भी निकालते हैं। तो यहाँ पे हमको जो दो बैटरी हमने मार्केट से लगाई थी वो हमने निकाल ली है, आप देख सकते हो यहाँ पे हमने बैटरी पूरी निकाल ली। अब क्या करते हैं, इसको ऑन करने के लिए यहाँ पे आपको पोर्ट दिया जाता है, वहां पे हमको जो केबल दिया गया उसकी पिन को हम इजीली लगा देते हैं। पिन लग जाने के बाद डायरेक्ट यहाँ पे आपको ऑन ऑफ का बटन दिया गया वो 3 सेकंड तक प्रेस करके रखना है। तो आप देख सकते हो फिर से हमारा जो मशीन था वो स्टार्ट हो गया है और ये इंस्ट्रूमेंट फुल्ली ऑटोमेटिक है, यानी कि अगर आपकी मेडिसिन इसमें खत्म हो गई तो ये अपने आप ऑफ हो जाएगा, ऐसा नहीं है चलता रहेगा बाद में खराब हो जाएगा ऐसा कुछ भी नहीं है। जब भी आपकी मेडिसिन खत्म हो जाएगी अपने आप ही ऑफ कर लेता है।
तो गाइस हमने इसको कम्प्लीटली कैसे यूज करना है वो तो आपको बता दिया। और हाँ, इसमें जो निस्कॉम कंपनी है वो आपको कम्प्लीटली 6 मंथ की वारंटी भी दे रही है। अगर 6 मंथ में कोई भी प्रॉब्लम अराइज हो रहा है तो डेफिनेटली ये कंपनी आपका सोल्व कर देने वाली है। और हाँ, ये जो नेब्यूलाइजर है ये आपको इजी टू कैरी देखने को मिल जाता है, यानी कि आप अपने पर्स में या तो फिर अपने बैग में इजीली कैरी भी कर सकते हो। और अगर आपको इस प्रोडक्ट के बारे में कोई भी क्वेरी हो तो आप कंपनी के ऑफिशियल ईमेल आईडी पे डायरेक्ट कांटेक्ट कर सकते हो, वहां पे आपकी डेफिनेटली क्वेरी सोल्व हो जाने वाली है। मेरे हिसाब से इस प्राइस रेंज में प्रोडक्ट डेफिनेटली वर्थ है। अगर आप इस टाइप का प्रोडक्ट परचेस करना सोच रहे हो तो डेफिनेटली इस प्रोडक्ट के साथ जा सकते हो। और अगर आपको परचेस या चेकआउट करना तो बेस्ट बाय लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे ही दी है, वहां से आप डायरेक्ट परचेस या तो फिर चेकआउट कर सकते हो। अगर आपको हमारा वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर देना, साथ में हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करते जाना। तो मिलेंगे किसी नेक्स्ट इंटरेस्टिंग और अमेजिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया।